हाय गाइस, मैं आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ देना चाह रही थी। काफ़ी लोग जो हैं यूट्यूब पे, टिकटॉक पे बोल रहे हैं कि इंग्लैंड में जॉब्स हैं, यहाँ यूरोप में जॉब्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में कहीं पे कोई जॉब नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों का बुरा हाल है। और जो लोग असाइलम लिए हुए हैं उनका भी बुरा हाल है, वो सड़कों पर सो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनके पास घर नहीं है। तो आप सोचें कि जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप, उनको सब्सक्राइब करने की जगह, लाइक करने की जगह कैंसिल कर दीजिए। आप मुझे भी सपोर्ट ना कीजिए, लेकिन मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ कि आप लोग न्यूज़ में देख लीजिए, हॉलैंड में भी, उधर भी, दूसरी कंट्रीज़ में भी जो रेफ्यूजीज़ हैं वो सड़कों पर हैं, उनके इनके पास घर नहीं है और जॉब्स अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं लीगल आई हूँ, यहाँ पे लॉयर के साथ आई हूँ, उसके बावजूद मेरे लिए काफ़ी, मैंने यहाँ पे दुकान में काम किया है, मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट में काम किया है, मैंने यहाँ पे कैंटीन में मैंने अखबार डाले हैं, मैंने हर काम किए हैं यहाँ पे, बट जॉब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा जो है वॉलंटरी वर्क करवाते हैं, वो भी फोकट का आप काम करेंगे, आपका फ्यूचर कुछ भी नहीं है। तो आप लोग अपने मुल्क में ही छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट कीजिए और वहाँ से शुरू करें, क्योंकि ये जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे के बुला लेते हैं, आपको लगता है यहाँ पे इंसाफ मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा सच। यहाँ पे लॉयर भी आपके साथ नहीं देते हैं कभी कभी। तो जो हकीकत है वो हकीकत है, जो सही, अगर सही बंदे के हाथ में चढ़ गए तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, वरना बहुत ख़राब। और जो कर्ज वगैरह लेके आते हैं उनके लिए भी बोलूँगी, काफ़ी लोग ख़ुदकुशी वगैरह भी कर लेते हैं, काफ़ी लोग डिस्टर्ब हैं मेंटली फिज़िकली कि भाई जॉब नहीं मिलेगी तो वो कैसे कमा के भेजेंगे। लेकिन मैं उनको ये खाली इतना ही बोलूँगी, जो कर्ज़ लेते हैं आप वहीं पे तो स्टार्ट करें, कुछ ना कुछ आपको अच्छा वहाँ पे हो जाएगा। और दूसरा जो है, आप लोग प्लीज़ काइंडली अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे हैं ताकि आप लोग की लाइफ में कम मसले हों। और आप लोग उधर के, अगर आप लोगों को लगता है पाकिस्तान की हालत तो वाकई में बहुत अभी सैलाब की वजह से है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी कुछ अच्छे हालात नहीं है, बहुत महंगाई हो चुकी है। मैं एक दिन आप लोगों को शॉपिंग के लिए लेके जाऊँगी तो मैं आपको चीज़ों का रेट डिफरेंट बताऊँगी। खाली एक वीक में, लास्ट मंथ में एक वीक के अंदर ऑयल की प्राइस 4.50 से 7.50 तक एकदम से उसकी डबल हो गई है कीमत। तो आप लोग सोच रहे हैं, बाकी काफ़ी चीज़ों की बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ हुआ है। तो मैं आपको शॉपिंग करने जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। आई होप गाइस आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।